आसान लफ्जों में अगर कहें तो आपकी सोई हुई एसएसडी उठ के भागना शुरू कर देती। ये यूटिलिटी ना सिर्फ हार्ड की एफिशिएंसी को, एसएसडी हार्ड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है, साथ में एसएसडी की लाइफ भी बढ़ जाती है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा एसएसडी यूजर के लिए है और दूसरा हिस्सा साटा यूजर के लिए है। आपने करना ये है कि एक छोटी सी यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। ये 4 MB की पोर्टेबल यूटिलिटी है, इसका नाम है एसएसडी बूस्टर। आपने साइट ओपन करनी है www.majorgeeks.com और वहां से ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही ये आपके सिस्टम में ओपन होगी, ये आपकी विंडो की हार्ड को, जिसमें विंडो है उसको ऑटोमेटिक सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेगी और ऊपर लिख के आएगा, जैसे कि यहां लिख के आ रहा है, जैसे कि मेरे एसएसडी सैमसंग की एसएसडी लगी हुई है और 860 मॉडल है, 860 ईवो, और आगे उसका साइज लिखा है। मेरी विंडो का जो मूड है वो शो करवा रही है और इसकी हेल्थ बता रही है। अब देखें, इसमें ये टोटल जो बॉक्स है ना, ये रेड कलर में शो हो रहे हैं। पेजिंग, लास्ट सेस, बूट फाइल्स, डिफ्रेगमेंट, सुपर फेच और थंबनेल कैश। इन आपने करना क्या है, आपने इन सारे बॉक्सेस को ग्रीन चेक बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, जैसे ये रेड बॉक्स है पहला, इस पे ऑन लिखा है, मैंने इसको क्लिक किया, यानी माउस से इसको प्रेस किया तो ये ऑफ होके ग्रीन शो हो रहा है। इसी तरह मैंने वन बाय वन ये सारे बॉक्सेस को ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है। अब ये छोटा सा काम है, ये काम करने से क्या होगा कि मेरी हार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ये यूटिलिटी ना सिर्फ हार्ड की एफिशिएंसी को, एसएसडी हार्ड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है, साथ में एसएसडी की लाइफ भी बढ़ जाती है, ठीक है। आसान लफ्जों में अगर कहें तो आपकी सोई हुई एसएसडी उठ के भागना शुरू कर देती है। नहीं यकीन आता तो आप ये यूटिलिटी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करें, इसको इसकी ऑप्शंस ग्रीन करें और सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक कर लें। ये तो हुआ वीडियो का एक हिस्सा। हाँ, इसमें एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये यूटिलिटी विंडो 7 यूजर के लिए है, विंडो 8 यूजर के लिए, विंडो 10 और विंडो 11 इस्तेमाल करने वाले यूजर इसको, इस यूटिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया वीडियो का एक हिस्सा। अब जो दूसरा हिस्सा है इस वीडियो का, वो ना सिर्फ एसएसडी यूजर के लिए है बल्कि साटा यूजर के लिए भी है। इसमें आपने क्या करना है कि स्टार्ट में आपने वर्ड लिखना है एमएस कॉन्फिग। जैसे ही आप ये वर्ड लिखेंगे सर्च बार में तो सिस्टम कॉन्फिगरेशन खुल के सामने आ जाएगा, एक नया पेज, ठीक है। वहां आपने स्टार्टअप पे क्लिक करना है, जनरल बूट सर्विसेज के बाद स्टार्टअप लिखा हो वहां आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें वो सारी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। जैसे ही आपका सिस्टम रन होता है तो वो सारी एप्लीकेशन भी साथ रन हो जाती हैं। अब यहां भी आपने करना क्या है, ये जितने बॉक्सेस पे चेक लगे हुए हैं इन सबको अनचेक कर देना है, या कॉर्नर पे ये डिसेबल ऑल का बटन है इसको प्रेस कर देना है, अप्लाई करना है, ओके करना है और डेट्स ऑल। इसके बाद आपकी एसएसडी और साटा ड्राइव ये पीक परफॉर्मेंस देने लग जाएगी, ठीक है। आपने अब करना ये है कि अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा अपनी परफॉर्मेंस देखें, हार्ड की विंडो की परफॉर्मेंस देखें कि वही है या बहुत उसमें फर्क आ चुका है। अगर फर्क आया, आपको फायदा महसूस हुआ,
आपको लगा कि ये यूटिलिटी ने काम किया है, इस ट्रिक ने काम किया है, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।